मैं ये बोलूँगा कि आप कहीं भी जा रहे हैं, अगर आप देखने कि मुझे ऑडियो सेटअप कराना है अच्छा, तो आप एक बार चंदू ऑडियो, ड्रीम ऑडियो बाय चंदू ज़रूर विज़िट करें दिल्ली में। और वर्थ है, आपका जो चक्कर लगेगा वो ख़राब नहीं जाएगा, और आप ज़रूर आएँ और इनसे ज़रूर मिलें। मैं ऑडिशन ढूंढ के आया था चंदू भैया के पास, और इन्होंने मुझे पूरा खुश किया है, और एक स्टेप हम ऊपर ही गए हैं, हाई एंड हमने इंस्टॉलेशन किया है। 8.14 जो हमारा फर्स्ट इन इंडिया रहने वाला था, ये मॉडल नंबर रहता है और इसकी फिटमेंट भी आप लोग चेक कर सकते हैं। मैं आप लोग को जो जीरो गेज वायर दिखाया था वो तो दिखाता हूँ कि हिसाब से वायरिंग, मतलब बेसिक स्पीकर के लिए जगह है, अच्छे स्पीकर के आउटपुट यहाँ से अच्छी नहीं आती। तो जो स्पीकर की जगह हमने चेंज की है वो एक कस्टमाइज पिलर पोर्ट्स बना के आप लोग चेक कर सकते हैं कितनी अच्छी फिटिंग आई। ट्विटर आ गया, यहाँ मिड बेस आ गया, जो मिड रेंज है आप लोग को मैं मिड रेंज सो गाइस, ड्रीम ऑडियो को देख रहे हो, नई वीडियो आज हमारे पास है हिमाचल से थार। इसमें ऑडियो ऑपरेट कर रहे हैं, जो आज हमारा ऑडियो रहने वाला है, जो डीएसपी एम्पलीफायर रहने वाला है ऑडिशन का, वो फर्स्ट इन इंडिया रहने वाला है और हाईरेस में रहने वाला है। जो उसकी पावर वगैरह है मैं आप लोगों को बाद में बताऊँगा। जो इसमें सेटअप कर रहा हूँ, फ्रंट 3 वे, रियर 3 वे, और एक सब वूफर और एक मोनो एम्पलीफायर, और जो ऑल सेटअप है, एक मान लो इसको एक प्रीमियम सेटअप कहते हैं, और हम बिल्कुल SQ सेटअप कर रहे हैं, जो काफ़ी जो क्वालिटी होती है ना आउटपुट की, जो काफ़ी एक्चुअल आती है कि हमें सर दर्द कान दर्द नहीं होता है, वैसे इसमें आउटपुट आने वाली है। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ जो आप लोगों को बताया फर्स्ट इन इंडिया वाला चीज़। सबसे पहले मैं वो दिखाऊँगा जो भी DSP एम्पलीफायर काफ़ी पावरफुल वाला है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाता हूँ जो इसका मॉडल नंबर है। सबसे पहले मैं आप लोगों को इसका मॉडल नंबर दिखाता हूँ जो इसका रहता है AFMA.14। अगर बात करें जो 8 चैनल एम्पलीफायर है और 14 चैनल DSP है, जो हमारा 8 चैनल एम्पलीफायर पे 90 RMS रहता है 4 ओम पे, जो बाकियों DSP एम्पलीफायर में नहीं है, जो हमारे इस ऑडिशन में हाईरेस के साथ, तो काफ़ी धमाका आउटपुट आने वाला है इसके साथ। और जो इसके साथ एक हम 4 चैनल ऐड कर रहे हैं वो रहता है SR4.500। और जैसे थार है, कई कोई सी भी गाड़ी है, तो जो कंपनी हेडमेड होता है उसमें इतनी अच्छी आउटपुट नहीं आती है, तो एक अच्छे आउटपुट एक सोर्स के लिए हम लगा रहे हैं इसमें बिकॉन, जो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये हमारा ऑडिशन का ही आता है, ये आप लोग देख सकते हैं हाईरेस ऑडियो, मतलब इससे काफ़ी अच्छे आउटपुट आते हैं बिकॉन। इससे हम अपना अच्छी एक आउटपुट लेते हैं ऑप्टिकल के थ्रू। और इसके साथ एक हम लगा रहे हैं DRC AC, ये आप लोग दिख रहे हो DRC AC। इससे क्या होता है कि आप वॉल्यूम भी कंट्रोल कर सकते हो, बेस कम भी जाया कर सकते हो, फ्रंट गियर भी कर सकते हो। जैसे कि हम जब टाइम अलाइनमेंट करते हैं, एक प्रीसेट बनाते हैं ड्राइवर के हिसाब से, पूरी गाड़ी के होल के हिसाब से, फ्रेंड के हिसाब से, दो जने के हिसाब से, मतलब जो आपको सेटिंग चाहिए, जिसके अंदर हम 5-6 सेटिंग अपने हिसाब से इसमें करके और हम मोड से चेंज कर लेते हैं हमें कौन सी सेटिंग चाहिए। तो जो DRC AC बताया आपका, इसका ये काम है। और मैं आप लोग को 3 वे दिखाता हूँ, जो इसमें रहता है 3 वे फ्रेंड और रियर। तो मैं आप लोग को दिखाता हूँ जो मिले लेजेंड का ML 1650.3, ये हमारा मिड बेस रहता है 6.5 इंच की। और जो मिड रेंज लगा रहे हैं, मिड रेंज की मॉडल नंबर है ML 700.3, ये हमारा मिड रेंज रहता है 3.5 इंच का। और जो ट्विटर है, ट्विटर का मॉडल नंबर रहता है ML 280.3, ये हमारा ट्विटर रहता है। और इसके साथ जो मोनो एम्पलीफायर और सब वूफर लगा रहे हैं वो भी दिखाते हैं। तो वूफर का मॉडल नंबर है, ये हमारा रेनबो का रहता है GLS12, ये बूफर का मॉडल नंबर है। और ये जो बूफर की बात करें SQ सब वूफर है और रेनबो की है। और जो इसके साथ हम मोनो एम्पलीफायर लगा रहे हैं, ये हमारा रहता है बेलैम का लैब सीरीज, जो इसका मॉडल नंबर है LA1100D, ये इसका आपका मॉडल नंबर रहता है मोनो एम्पलीफायर की। और जो इसमें वायरिंग करी हमने, जो ये थार मैं जो सेटअप तैयार कर रहा हूँ, तो आप लोग को सबसे पहले ज़रूरी है कि ये फुल वीडियो देखना आप लोग ने, कि जो इसके कार के अंदर जो स्पीकर की जगह फ्रंट और रियर है, हमने एक भी स्टॉक जगह यूज नहीं करे। जो फ्रंट रियर के स्पीकर की जगह 6 इंच की, ट्विटर की, मिड रेंज की, सब जगह अपने हिसाब से तरीके से बनाए कि कहाँ से हमें अच्छी आउटपुट मिले, तो आप लोग को आगे आगे वीडियो में दिखता जाएगा। और जो इसके वायरिंग करी है, मैं आप लोग को वायरिंग दिखाता हूँ, जो वायरिंग भी काफ़ी अच्छी रहने वाली है। ये हमने आगे से ही एक 0 गेज ली है जो रहने वाला है कनेक्शन की, जो बिल्कुल A1 की वायरिंग है,
एक इस पे आप जीरो गेज लेके अगर एम्पलीफायर, जैसे हमने इसके अंदर एक डीएसपी एम्पलीफायर है, एक फोर चैनल एक मोनो एम्पलीफायर है, तो हमें तीन किट वायरिंग डालनी पड़ती, लेकिन एक जीरो गेज लगा के। और मैं सबसे पहले आप लोगों को ना जो जीरो गेज की बता रहा हूँ तो डिस्ट्रीब्यूशन लोग दिखाता हूँ कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ब्लॉक है कि हम वायर कैसे यहाँ से अलग अलग पावर करते हैं। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन ब्लॉक दिखा रहा हूँ ये भी आपका रहता है कॉपर का, वैसे मतलब ये नहीं कि भैया कि इसमें कोई दिक्कत आएगा, तो ये भी रहता है आपको कॉपर का। और इसमें क्या है कि आपने यहाँ से एक जीरो गेज का इनपुट दे दिए, जैसे जगह दिया हुआ है, यहाँ से आपने इनपुट लगा के फिर अलग अलग एम्पलीफायर को यहाँ से आप पावर दे सकते हैं। उसी हिसाब से इसमें ग्राउंड का भी दिया हुआ है, यहाँ से आप ग्राउंड लगा के सारे एम्पलीफायर को अलग अलग पावर दे सकते हैं। कि मतलब अगर कहते हैं ना कि जैसे कि हम तीन एम्पलीफायर लगा रहे हैं कि तीन वायरिंग किट डल रहा है, तीन ग्राउंड, मतलब काफ़ी झमेला हो जाता है। और जब हम ये लगाते हैं इसमें पावर भी अच्छी मिलती है और आपकी जो वायरिंग की फिनिशिंग भी अच्छी रहती है, आउटपुट भी काफ़ी हमें अच्छी मिलती है। और जो स्पीकर वायर यूज किया मैंने, स्पीकर वायर भी दिखाता हूँ आप लोग को, ये हमारा रहने वाला है कनेक्शन का ही रहने वाला है कॉपर ओएफसी, ये हमारा 16 गेज का स्पीकर वायर है जो हम फुल कार यूज करें। और जो आरसी लीड यूज करा ना वो भी काफ़ी प्रीमियम जो कहते हैं ना वो आरसी लीड यूज किए, ये रहता है हमारा मॉइस्चर का। बात करें इसकी जो गोल्ड प्लेटेड है और आउटपुट जो निकलती है ना बिल्कुल एक्चुअल आउटपुट निकलती है, कि आपको इन्हें साउंड कहीं से करे कर कुछ आ रहा है, मतलब जो एक्चुअल आउटपुट चाहिए वही मिलता है। तो आरसी लीड भी काफ़ी मैटर करता है कि जितने आप अच्छी आरसी लीड लगाते हो उतनी आपकी अच्छी आवाज़ आती है। और बाकी चलते हैं हम कार में, और कार में जिस हिसाब से वायरिंग करी है, जो आप लोगों को बताया कि कुछ अलग चीज़ करी है, तो जो स्पीकर वगैरह लगाए तो आप लोगों को दिखाते हैं, चलते हैं। आ चुके हम कार के पास, मैं आप लोगों को जीरो गेज वायर दिखाया था तो दिखाता हूँ किस हिसाब से वायरिंग डलनी चाहिए, किस हिसाब से स्लिप चढ़नी चाहिए। मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि जो हमारा जीरो गेज वायर रहता है उसमें हमने पूरी वायर पर स्लिप चढ़ाई है और पूरी हीटसिंक करी है। और जो थिमल स्विच किए हैं वो भी हम कॉपर के यूज किए हैं। और जो फ्यूज है मैं आप लोगों को फ्यूज भी दिखाता हूँ, फ्यूज हमारा रहने वाला है कनेक्शन का ही, जिस कंपनी का आपको वायर दिखाया उसी कंपनी का फ्यूज रहता है। और जहाँ से वायर की जगह दी हुई कंपनी वाली, वहाँ ना एक रबर होता है जहाँ से कंपनी की वायर भी जाती है, तो फिर रबर बाहर निकाल के और तार के हिसाब से छोटा सा होल करके वहाँ से वायर डालते हैं कि किसी तरह से आपको इंजन का हीट और चूहे नहीं जाए। तो मैं आप लोग को वायरिंग की फिनिशिंग दिखा दिया। और सबसे पहले चलते हैं जो हमने स्पीकर की आप लोग को फिटमेंट बताया था, तो स्पीकर दिखाते हैं किस तरीके से लगाएं। तो जो कंपनी ओरिजिनल जगह दी हुई है, ये हमारा रहता है डैशबोर्ड का नीचे, जो यहाँ से ना हमें मिड बेस अच्छा मिलता है, हमें एक वोकल अच्छा मिलता है, एक छोटा सा केबिन दे रखा है जैसे कि 4 इंच के स्पीकर की जगह हो उस हिसाब से दे रखा है। जैसे हम 100 RM में 150 RM के स्पीकर लगाते हैं उस हिसाब से जगह नहीं है, ये मान लीजिए कि मतलब बेसिक स्पीकर के लिए जगह है, अच्छे स्पीकर के आउटपुट यहाँ से अच्छी नहीं आती। तो जो स्पीकर की जगह हमने चेंज की है वो हमने डोर्स में लगाए हैं, और जो डोर्स की जो इसका केबिन एरिया है काफ़ी अच्छा है। और जो आप लोग को ये जाली दिख रहा होगा तो ये जाली हमने ऑडिशन के लगाए हैं, क्योंकि जो हर्ट्स मिले लेजेंड में जाली देते हैं इस टाइप का जाली होता है जिसमें सेफ्टी नहीं है, ये मतलब ग्रिल है, किसी के पैर लग जाए कुछ लग जाए, इसलिए हमने ऑडिशन का यूज़ किया है। और मैं आप लोग को जाली ओपन करके दिखा भी देता हूँ, जो आप मिड बेस रहता है हमारा आप लोग चेक कर सकते हैं, ये हमारा हर्ट्स मिले लेजेंड का मिड बेस रहता है। और यहाँ से जो हम डोर्स आप लोग को दिखा रहा हूँ, यहाँ से हमें मिड बेस काफ़ी अच्छी मिल जाती है जो वहाँ नहीं मिलती है। अगर जैसे बाकी गाड़ी में तो अपग्रेड करते हैं तो हिसाब से हमें मिड बेस और वोकल मिल जाते हैं। और जो आपका सीट की और स्पीकर के बीच की गैप भी काफ़ी रहता है कि आपको साउंड क्वालिटी की दिक्कत नहीं आएगा। और जो थ्री बेब आप लोग को दिखाता हूँ मैं, मिड बेस तो दिखा दिया, जो हमने ट्विटर और मिड रेंज लगाए हैं ये कस्टमाइज पिलर पोर्ट्स बना के आप लोग चेक कर सकते हैं कितनी अच्छी फिटिंग आई है। ये ट्विटर रहता है, ये हमारा 7.5 इंच की मिड रेंज रहता है जो हम कस्टमाइज पोर्ट्स बनाए, बिल्कुल स्टिचिंग आप लोग चेक कर सकते हैं कितनी अच्छी फिनिशिंग है। और मैं आप लोग को राइट के भी दिखाता हूँ, इसी हिसाब से राइट का भी फिटिंग रहता है और काफ़ी एंगलिंग भी काफ़ी अच्छी आई है। तो आप लोगों को मैंने फ्रंट के दिखा दिया, अब दिखा रहा हूँ जो रियर में बहुत अच्छी चीज़ देखने वाली है, तो आप लोगों को मैं रियर के दिखाता हूँ। जो रियर के स्पीकर है ये जहाँ हमारा सिर होता ना वहीं पर इसकी जगह दी हुई है, कि इसको हमने जो ओरिजिनल कंपनी की जगह से बिल्कुल डम्मी कर दिए। और जो हमने इसकी फिटिंग करें स्पीकर की आप लोग चेक कर सकते हैं कितनी अच्छी फिटिंग आई है, यहाँ ट्विटर आ गया, यहाँ मिड बेस आ गया। जो मिड रेंज है आप लोग को मैं मिड रेंज के बाद दिखाऊँ, मिड रेंज हम लगाने वाले हैं यहाँ पे, जो आप लोग को फिटिंग के बाद मैं वो लास्ट में दिखा पाऊँगा, अभी वो हमारा कपड़ा चल रहा है रेडी नहीं हुआ कि हमारा बाद में प्लान बना कि पीछे भी 3 वे लगाना है, पर हमारा था कि आगे फ्रंट 3 वे और रियर 2 वे हम उस हिसाब से किए थे, तो आए हमारा भी पोर्ट्स तैयार हो रहा है, मैं आप लोग को लास्ट में वो भी दिखाऊंगा। और जो इसकी आप लोग को फिटिंग दिखाया हूँ
तो मैं बारीकी से दिखाना चाहता हूँ कि बिल्कुल MDF की बोर्ड है, फाइबर है और लेदर चढ़ा के जो इसकी सिलाई स्टिचिंग है आप लोग चेक कर सकते कितनी प्यारी फिटिंग आई है। और जो मिड बेस भी है काफ़ी यहाँ से अच्छी मिलने वाली है। जो और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जो हम थार में बैठते हैं तो मतलब 99% बंदा लोग परेशान होता है कि ऑडियो अपग्रेड करते हैं और सिर पे बिल्कुल बजे तो साउंड में मज़ा नहीं आता है। कि जो फ्रंट में हम पैसे खर्च करते हैं उसके कान तक आवाज़ पहुँचती नहीं है, ये सिर के बिल्कुल ऊपर है। अगर हम सेटिंग भी करना चाहते हैं लेकिन सेटिंग हमारे नहीं होती है। और इस जो हमने फिटिंग आप लोगों को फिटमेंट दिखाया स्पीकर का, इसमें जैसे आप नॉर्मल गाड़ी में करते हो कोई दूसरी गाड़ी में, उस हिसाब से आपको आउटपुट मिलने वाली इस कार के अंदर। और जो मैं आपको दिखाया था 8.14, जो हमारा फर्स्ट इन इंडिया रहने वाला था, ये मॉडल नंबर रहता है। और इसकी फिटमेंट भी आप लोग चेक कर सकते हैं कितनी अच्छी फिटिंग आई है। जो RC लीड आप लोग को मैंने दिखाया, जो RC लीड हम लोग यूज करें मोस्टर की, आप लोग चेक कर सकते हैं कि RC लीड की जो क्वालिटी है क्या है। आप लोग को देख के भी पता पड़ रहा होगा बहुत अच्छी क्वालिटी का RC लीड है। एक मतलब कि जो चाहिए, मतलब ये नहीं कि भैया 5 मीटर का RC लीड, 3 मीटर की चाहिए, जिस हिसाब से RC लीड चाहिए था हमें हाफ मीटर का RC लीड चाहिए था, हमने हाफ मीटर की RC लीड लगाई है कि हमें आउटपुट में कोई दिक्कत नहीं आई। जो मैं आप लोग को बिकॉन दिखाया था, इसको हम कहते हैं बिकॉन, जो हायरस ऑडियो है आप लोग देख सकते हैं इसका भी फिटमेंट, जो वायरिंग वगैरह है। और जो डैम्पिंग है, डैम्पिंग हमने फुल कार डैम्पिंग करी है, साइड भी डैम्पिंग है जो मैं आप लोग को दिखा नहीं पा रहा। और जो ये पूरी ऊपर तक हमने डैम्पिंग करी है कि आगे स्पीकर लग जाएगा कि कारपेट खुलेगा नहीं, मैं दिखा नहीं पाऊंगा आप लोग को पूरी डैम्पिंग। तो डैम्पिंग में फुल कार करी है। जो वायरिंग है, जो थार की जो वायरिंग की है, कई जगह ना जो साइड के पक्के होते हैं थोड़ा दिक्कत करती है, लेकिन हमें पता है कि हिसाब से वायरिंग डालना चाहिए। जैसे नॉर्मल गाड़ी में वायरिंग करते हैं उसी हिसाब से वायरिंग करी है। जो साइड का जो फिटिंग है मैं आप लोग को भी दिखाऊंगा, या दिख रहे होंगे आप लोग चेक कर सकते हैं। तो कहीं क्या होता है कि बीचों बीच वायर डालते हैं, लेकिन नहीं, जिस हिसाब से दूसरी गाड़ी नॉर्मल गाड़ी में डालते हैं उसी हिसाब से इसमें क्या है कि जो बस हमें इसकी जो प्लास्टिक है इसमें हमें जगह बनानी पड़ती है, कुछ कटिंग वटिंग करने पड़ता है कि वायरिंग सही से बैठ बैठ जाए उसके साथ। और आप लोग देख, जो डिस्ट्रीब्यूशन लोग दिखाया था कि हमारा फ्रंट से 0 गेज आ गया, और यहाँ से जितने एमली फायर है सबका फ्यूज लगा हुआ अलग अलग, यहाँ से भी किसी तरह दिक्कत आता है। सबसे पहले आपका फ्यूज उड़ता है, ना जान की खतरा ना गाड़ी खतरा, तो फ्यूज बहुत जरूरी है। जितने भी कंपनी के वायर भी होते हैं ना वो सब में फ्यूज देते हैं, इसीलिए किसी तरह से कोई दिक्कत आए, कभी कुछ नहीं पता होता कौन सा शॉर्ट सर्किट हो, कुछ भी दिक्कत आए तो सबसे पहले आपका फ्यूज डैमेज होता है। इसकी वजह से आपका ना सामान खराब होता है, ना खुद खराब होते हो, ना कार खराब होता है। तो फ्यूज बहुत जरूरी है। कहीं भी आप लोग कहीं से फिटिंग करवाते हो, अगर जिस हिसाब से 0 गेज मैंने डाला है, तो कई क्या कार में क्या करते हैं कि जो फ्रंट में जो 0 गेज के फ्यूज नहीं लगाते हैं, रियर ये लगाते हैं, लेकिन फ्रंट में भी फ्यूज होना चाहिए और रियर में भी फ्यूज होना चाहिए। इससे काफ़ी आपका अच्छा रहता है, क्योंकि जो हम फ्रंट में फ्यूज लगाते हैं उसमें हैवी एम्पेयर का लगाना पड़ता है, जो हम रियर में लगाते हैं एम्पलीफायर के हिसाब से सब अलग अलग एम्पेयर लगाना पड़ता है, इसीलिए हिसाब से हम अलग अलग सब फ्यूज डाल रखे हैं। तो आप लोग को फिटिंग देख के काफ़ी मज़ा आया होगा, और ऐसे फिटिंग आप लोग को हर वीडियो में दिखाता हूँ। तो बाकी ओल्ड गाड़ी पैक करके मिडेज लगा के फिर लास्ट में मैं आप लोग को और कुछ सुना दूँ। आप लोग को मोनो एम्पलीफायर और सबवूफर नहीं दिखाया था, मैं वो भी दिखा देता हूँ। ये हमारा मोनो एम्पलीफायर रहता है, आप लोग इसका भी फिटिंग चेक कर सकते हो। जो वायरिंग है, जितने भी वायर करे सारे स्लिप है, आप लोग चेक कर सकते हैं। और हमारा सिस्टम भी ऑन हो गया, और इसके साथ मैं आप लोग को सबवूफर भी दिखा देता हूँ, जो सबवूफर दिखाया था। तो आते हैं हम बूफर के पास, मैं आप लोग को बूफर दिखा देता हूँ, आप लोग चेक कर सकते हैं। जो मैं रेनबो का सबवूफर दिखाया था, ये हमारा सबवूफर रहता है। जो ये थार है इसका बॉक्स थोड़ा कस्टमाइज हमें बनाना पड़ा, थोड़ा छोटी बॉक्स है, लेकिन आउटपुट हमने सुन लिए काफ़ी अच्छी आई है। और पूरी गाड़ी पैक करके फिर मैं आप लोग को आउटपुट में सुनाता हूँ। तो पूरी गाड़ी हम पैक कर चुके हैं, सबसे पहले मैं आपको पिलर पोर्ट्स दिखाऊंगा फ्रंट का, फिर दिखाऊंगा रियर का भी। तो आप लोग फ्रंट की चेक कर सकते हैं, जो हमने लेदर चाहिए जो सिलाई की है बहुत अच्छी आई है। और इसके साथ चलते हैं रियर डोर पर, मैं आप लोग को रियर के दिखाता हूँ कि फ्रंट के बहुत देखेंगे आप लोग, रियर के नहीं देखेंगे, रियर के दिखाता हूँ कि काफ़ी मतलब अच्छी लग रही है ये। और जो अगर बात करें क्वालिटी की, बेस की, ट्विटर की, बहुत अच्छी आ रही है। और जो हमने सारे 3 इंच की मिड रेंज लगाए हैं रियर में सबसे पीछे, मैं वो दिखा देता हूँ आप लोग को, ये भी चेक कर सकते हैं कितनी प्यारी फिटिंग आई है। अब बिल्कुल हमारे गाड़ी में ना ओवरऑल साउंड बन रहा है कि जैसे लग रहा है कि हॉल में बैठे हैं, काफ़ी मतलब मज़ा आ गया। जैसे सारे स्पीकर अलग अलग है, ये सबसे पीछे भी है, मतलब 3 पार्ट में स्पीकर लगाया, फ्रंट भी लगाया, हमारे बीच सेंटर में भी हो गया, और बिल्कुल रियर में भी हो गया। इस हिसाब से बिल्कुल हमारे सराउंड बन रहे हैं, जो काफ़ी अच्छे आउटपुट मिल रही है। तो चलते हैं आप लोग को आउटपुट सुनाते हैं। Over the edge, feel like I'm floating through the air.
आप लोग को जो साउंड की क्वालिटी आ रहा है, जैसे थार जैसे गाड़ी में आउटपुट अच्छी नहीं आती है, कि काफी लोग जो कहते हैं कि भैया मजा आ रहा है, आएगा नहीं आएगा, मैं इतने पैसे लगा रहा हूँ, लेकिन जिस हिसाब से हमने सामान लगाए, पैसे खर्च किए थार के ऊपर, उसी हिसाब से साउंड क्वालिटी है। थोड़े से हमें मेहनत जरूर करने पड़े कि जो स्पीकर कंपनी फ्रेट जगह है, मैंने एक भी यूज नहीं करा, जो आप लोग को वीडियो में दिखा होगा, जो हमने मतलब जगह लगाई है, जिस जगह चूज करी है हमने, उस हिसाब से जो अगर आउटपुट, अगर मिड बेस की बात करें तो आप लोग को मैं इस पर डेमो तो नहीं दे सकता, लेकिन जो अगर सबवूफर हम बंद करके भी सुने तो हमें मिड बेस काफी जो नॉर्मल गाड़ी में आती है उस तरह मिड बेस मिली है, और क्लैरिटी भी इस हिसाब से आ रहा है। और जो आप लोग को मैं स्पीकर भी दिखाया कि फ्रंट स्टेजिंग, सेंटर स्टेजिंग और बिल्कुल रिवर्स मतलब रियर में, ये बिल्कुल हमारा सराउंड साउंड जो कहते हैं ना उस हिसाब से बन रहा है। ओवरऑल काफी आउटपुट में मजा आ रहा है, और आप लोग को मैं फिटिंग भी दिखाई दी है। अगर बात करें जो आवाज चाहिए था, जो हमारे गाड़ी वाला भैया है इतनी दूर से आए, तो वो भी सुन के बिल्कुल उनको सेटिस्फाई हो गया कि मतलब जो क्वालिटी के लिए आए थे इतनी दूर से, उनको क्वालिटी मिल गया। तो चलते हम भैया, जो हमारे भैया हैं गाड़ी वाले, उनसे आप लोग को फीडबैक दिलाते हैं। तो आ चुके हम भैया के पास। जैसे आप लोग को बताया था, तो जो हमारे भैया है वो हिमाचल प्रदेश से आए, जो काफ़ी दूर है, और गाड़ी भी मेरे पास आज 5 दिन से खड़ी है। आज हमारे सिस्टम एंड हुआ है, जो हमारे भैया काफ़ी वीडियो देखा है इन्होंने, तो जो हम ऑडिशन का सेटअप करते हैं, तो हमारा भैया ऑडिशन का बहुत बड़ा फ़ैन है। ऑडिशन के सेटअप देखे ना, काफ़ी दिल खुश हो गया कि भाई सेटअप करवाना ड्रीम ऑडियो से करवाना, कि ड्रीम ऑडियो ऑडिशन लगता है। तो उस हिसाब से भैया से कई बार मुझे बात हुआ है, भैया का हमारा यही था कि इन्होंने काफ़ी मतलब इनको साउंड क्वालिटी का शौक है, कई गाड़ी में इन्होंने लगा रखा है, पहले भी ये ऑडिशन सुन रहे थे, और जो इनको चाहिए था कि भैया बजट की कोई दिक्कत नहीं था, जो इनको क्वालिटी साउंड क्वालिटी ये होना चाहिए, मैंने उसको कोई क्वेश्चन नहीं किया कि क्या लगाना नहीं लगाना, भैया ने मेरे ऊपर छोड़ दिया कि भैया इस थार के अंदर आवाज़ अच्छी आनी चाहिए, जो लगाना आप लगा दो। तो मेरा मन तो पहले थीसिस की था, लेकिन जो इसकी डोर्स पैनल है जो कस्टमाइज जगह कंपनी की दी है, मुझे समझ नहीं आया था कि इतने पैसे बढ़ते हैं कि 5 लाख के स्पीकर, मुझे समझ नहीं आया। तो उसी हिसाब से मैंने भैया का जो प्लानिंग बनाया कि हम आउटपुट कैसे अच्छे आए, तो मुझे लगा ना हम लो रेंज जाते हैं, हम थोड़ा सा हाई एंड में हर्ट्ज मिलर लेजेंड में, जो आप लोगों को दिखाया 3-way फ्रंट और रियर, और जो इसकी जगह है कि जो कंपनी की जितने स्टॉक जगह, इसलिए हम यूज नहीं करें कि मिलर लेजेंड टॉप ऑफ नोट लाइन है, आउटपुट अच्छी आए नहीं आए, इसीलिए मैंने अपनी थोड़ा सा सोच के कि भैया जहाँ से अच्छी मिड बेस मिले, थोड़ा क्लैरिटी मिले, कि हम इसमें 6-7 लाख के सेटअप कर रहे हैं तो थोड़ी आउटपुट तो अच्छी चाहिए। तो उसी हिसाब से मैंने जो जगह बनाई है थार के अंदर, जो आप लोगों को दिखाया, तो आप लोग जिन भाई के पास थार है, अगर किसी का अच्छा ऑडियो का शौक है, तो आप लोग हिसाब से फिटिंग करवा सकते हैं, अगर साउंड क्वालिटी अच्छी चाहिए तो। ओवरऑल जैसे हम हॉल में बैठे हैं कि हम 3 जगह स्पीकर लगाए, जैसे फ्रंट, बीच सेंटर और रियर मिड रेंज, जिस हिसाब से आप लोग को अंदर भी दिखाया मैंने, तो ओवरऑल जो साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी आ रही है। अगर बात करें जैसे नॉर्मल गाड़ी है उससे तो 19 होगा, मतलब बराबर नहीं कह सकते, लेकिन ओवरऑल जो थार के हिसाब से मुझे काफ़ी, इतनी थार बनाया मैंने, फर्स्ट थार है कि मैं बिल्कुल सेटिस्फाई हूँ, और जो भाई करवाने वाला है उसको मेरी गारंटी है कि आउटपुट अच्छी आएगी ही आएगी। बाकी जो भैया हमारे हैं, भैया आप बताए कि जो आप सोच के आए थे वो मिला नहीं मिला? जी, मैं ऑडिशन ढूंढ के आया था चंदू भैया के पास, और इन्होंने मुझे पूरा खुश किया है, और एक स्टेप हम ऊपर ही गए हैं, हाई एंड हमने इंस्टॉलेशन किया है मिले लेजेंड का, और मैं बहुत खुश हूँ। और सबसे पहले चीज़, जो आप वीडियो देखते हो हमारे, जो हम वायरिंग करते हैं, सामान लगाते हैं, जो ऑडिशन लगाते हैं, जैसे हमारे भैया जो वीडियो देखते हैं ना, वो कहते हैं भैया ऑडिशन ऑडिशन क्यों वीडियो में दिखाते हो, अब आप भी कैसे आए हो? जी, वीडियो देख के आए। नहीं नहीं, क्या लगवाने आए थे? हाँ, मेरा बजट जो था उसमें मैं मिड रेंज और DSP लगवाने आया था आपसे। नहीं, जैसे ऑडिशन में भैया ब्रांड की बात कर रहा हूँ, आपके क्या प्लानिंग है, था क्या, कौन सी ब्रांड लगाना है? ऑडिशन वो जी, तो यही चीज कह रहा हूँ, जो हमारे वीडियो में हमारे भैया आते हैं ना, ऑडिशन ही सोच के आते हैं मेरे को, इसलिए वीडियो आप लोग को हर वीडियो दिखाने पड़ जाता है ऑडिशन का, लेकिन इसमें ऑडिशन नहीं, मिले लेजेंड लगा दिए, भैया का था, तो लेकिन वही था कि ओवरऑल हम पूरा ऑल ऑडिशन की होता, वो भी थीसिस के साथ, जो सबसे टॉप ऑफ लाइन है, लेकिन हमें थोड़ा मिड बेस का कन्फ्यूजन की वजह से हम नहीं लगा पाए, भैया का सपना थीसिस का ही था, लेकिन आप लोगों को भैया के साथ ही जो फॉर्चुनर आएंगे उसमें थीसिस की वीडियो जरूर दिखाएंगे, भैया वीडियो में दोबारा आएंगे, और जो आपके काम की क्वालिटी मेरा वीडियो में देखते हो, जो थिमल्स यूज करते हैं, तार यूज करते हैं, जो जो दिखाता हूँ, जो बोलता हूँ, साफ से है नहीं है जी, तार टॉप ऑफ द लाइन यूज की है चंदू भैया ने, और पहले भी आप काम करवा गए थे उसमें, पहले जो काम करवा के आया था, खैर उसका नहीं नहीं, जो भी है उसमें, मतलब उसमें इसमें क्वालिटी फर्क लगा, बहुत जमीन आसमान का फर्क है क्वालिटी में आपको, और रेट में आपको इससे बेस्ट कहीं नहीं मिल सकता, इसमें यहाँ पे कोई चोर बाजारी नहीं है, सब साफ है, सामने आपको दिखाया जाएगा, और अच्छा डिस्काउंट भी दिया जाएगा MRP पे, जितना आप चाहते हैं उससे कहीं ज़्यादा मिलेगा आपको डिस्काउंट, और आपका बजट जो आप सोच के आते हैं
वो विद इन रेंज आपको सक्सेसफुली मिलेगा। जी बस वही है भैया के 1.5 लाख के बजट थे लेकिन बहुत ऊपर चले गए। तो वही है जो काम क्वालिटी देखते हैं ना, पैसे खर्च करने में दर्द नहीं होता। मैंने ये देखा भैया जो मेरे पास आते हैं, जो सच्चाई बात है, लोग 50,000 रुपये बजट लेके आते हैं लेकिन वो 1.5 से 2 लाख 2.5 लाख काम करवाते हैं, 50,000 के भी करवाते हैं। लेकिन ये मैं नहीं कहता, उनका खुद ही मन हो जाता है यार, कोई गाड़ी सुन लेता है ना दूसरी साथ वाली गाड़ी, तो कहता है मेरे को इसी तरह करवाना है। तो बाकी जो हमारे भैया वीडियो देख रहे हैं उनको क्या बोलोगे काम? मैं ये बोलूँगा कि आप कहीं भी जा रहे हैं, अगर आप देखने की मुझे ऑडियो सेटअप कराना है अच्छा, तो आप एक बार चंदू ऑडियो, ड्रीम ऑडियो बाय चंदू ज़रूर विज़िट करें दिल्ली में, और वर्थ है, आपका जो चक्कर लगेगा वो ख़राब नहीं जाएगा, और आप ज़रूर आएँ और इनसे ज़रूर मिलें। वीडियो भी मैं जो हमारे भाई वीडियो देखते हैं, वायरिंग दिखाता हूँ, फ्यूज दिखाता हूँ, स्पीकर की फिटिंग दिखाता हूँ। इससे क्या होता है ना कि आप कहीं, मैं तो ये भी बोलता हूँ वीडियो में, कहीं भी काम करवा रहे हो तो आप लोग वीडियो दिखा किसी को काम करवा सकते हो, भाई से फिटिंग करके दे, उसमें क्या होता है कि ओवरऑल आपका ना गाड़ी का नुकसान ना खुद का नुकसान, और काफ़ी हमें जो संतुष्टि मिलती है यार काम अच्छा हुआ। तो और कुछ बोलना चाहोगे भैया? अरे आप मतलब कितने किलोमीटर दूर से आए हो आप? मैं 400 किलोमीटर दूर से आया हूँ हिमाचल प्रदेश से स्पेशली, और मुझे अच्छा लगा कि मैं चंदू भैया से मिला और इन्होंने मेरा काम किया, हमारा एक रिश्ता कायम हुआ है जो सालों साल बरसों तक चलेगा। थैंक यू। तो आप लोग को मैंने ऐसे ऐसे वीडियो आपको दिखाता रहा, तो ये नहीं कि भैया कोई कुछ नहीं, जो हमारे गाड़ी वाला भैया था ना बिल्कुल तसल्ली हो गया जाता है। एक दिन एक्स्ट्रा लग गया भैया को, आज 5 दिन लग गए, क्योंकि हमें काफ़ी चीज़ लगा के फिर अपग्रेड भी किए, कुछ अलग अलग चीज़ें, मतलब ऐसे 2 दिन के काम थे लेकिन हम 5 दिन लग गए, तो काफ़ी चीज़ें हमें, कभी हम इससे नीचे जा रहे थे लेकिन भैया अपग्रेड हो गए इसलिए गाड़ी को हो गया 5 दिन। तो आप यहीं करेंगे हम वीडियो का एंड, जो मेरा आप लोग इस तरह काम करवाना है तो आना कहें ड्रीम ऑडियो जो नियर एमसर मेट्रो है, ऑपोजिट पिलर नंबर 343 के सामने है, और आप लोग को काम की क्वालिटी चेक करना हो तो इंस्टाग्राम आईडी भी मेरा है ड्रीम ऑडियो 0207, आप लोग वहाँ भी काम चेक कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9211122007, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, कॉन्टैक्ट नंबर भी है। अगर आप लोग को काम करवाने का है तो आप कई बार फ़ोन नहीं उठाता हूँ तो आप लोकेशन भी आ सकते हैं, ड्रीम ऑडियो बाय चंदू आप दुकान तक आ सकते हैं इजिली और काम करवा सकते हैं। तो भैया यहीं वीडियो करते हैं, जय श्री राम। जय श्री।